क्लास आपको आज सर्कल के बारे में बता रही हूँ। ये सबसे पहले मैं सर्कल की फिगर दिखा रही हूँ। ये है आपका सर्कल, किसी भी आप प्रकार से बनाते हैं, कंपास से सर्कल बनाते हैं, या आप ये आपका एक ढक्कन है या आपकी बैंगल है, आप इससे आप सर्कल बना सकते हैं। इसके चारों तरफ ये आपका सर्कल बन गया है। जब आप कंपास से सर्कल बनाते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है सेंटर, इस पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर। सेंटर से जितनी भी लाइंस हम खींचते हैं, जैसे ये सेंटर बनाया मैंने, सेंटर से अगर मैं इस साइड को एक लाइन खींचती हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या कहीं से भी ले सकती हूँ यहाँ से यहाँ तक सेंटर के लास्ट पॉइंट तक, सेंटर से जो ये सेंटर को हम ओ कहते हैं, और सेंटर से जितनी भी लाइन हम खींचते हैं सबका डिस्टेंस इक्वल होता है, और इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर आपसे बोला जाए कि इसमें कितने रेडियस हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओ ए ओ बी ओ सी, इसमें तीन रेडियस हैं। पहला रेडियस है ओ ए, दूसरा है ओ बी और तीसरा है ओ सी। ये तीनों ही इसके रेडियस हैं। उसके बाद अगर सेंटर से लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं, इसको कहते हैं डायमीटर। तो जिस तरीके से मैंने दुनिया भर के, अब इसमें बहुत सारे रेडियस बन सकते हैं, उसी तरीके से इसमें ये आधा रेडियस है, ये आधा रेडियस है, दोनों रेडियस मिला करके डबल हो गया। इसमें टू रेडियस बराबर होता है डायमीटर के, दो रेडियस बराबर डायमीटर के होता है। तो डायमीटर का जब भी हम फार्मूला करते हैं तो डायमीटर इज़ इक्वल टू, डायमीटर को डी लिखते हैं, इज़ इक्वल टू टू मल्टीप्लाई रेडियस। और अगर इसमें से हमें रेडियस निकालना हो, अगर इसमें से हमें रेडियस निकालना हो तो हम बोलते हैं डायमीटर डिवाइड बाय रेडियस डिवाइड बाय टू। डायमीटर को अगर दो से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस जो होता है सेंटर से ही, सेंटर से लेकर के सर्कल तक के आप किसी भी पार्ट में लेके जा सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ये सब रेडियस है आपका। और डायमीटर सेंटर से पास होता है, सेंटर से आप जितनी मर्जी लाइन ले लेंगे वो आपका डायमीटर ही कहलाएगा, लेकिन डायमीटर जो है सेंटर से पास होता है। देखिए ये सेंटर है, इस सेंटर से आप दुनिया भर का डायमीटर पास कर सकते हैं, स्केल से ही पास करना है। ये आपका डायमीटर है ए बी, ये दूसरा डायमीटर है सी डी, ये भी डायमीटर है ई एफ, ये सब इस आपका डायमीटर है। डायमीटर सेंटर से ही पास होता है। उसके बाद है कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं? जैसे आप सेंटर में आपने, सर्कल में आपने दो पॉइंट लगाए हैं, दो पॉइंट को आपने आपस में मीट कर दिया, मिला दिया है, यहाँ से लेकर के आप इसको ऐसे मिला रहे हैं स्केल से, तो ये है आपका कॉर्ड। कॉर्ड जो है आप जितनी मर्जी बना सकते हैं, इसमें ए बी, ये भी कॉर्ड है, इसके नीचे ये डालेंगे अगर आप, ये भी कॉर्ड है, सी डी ये भी कॉर्ड है, और सेंटर से भी जो लाइन खींचते हैं ये भी कॉर्ड होती है, ये डायमीटर भी होती है और कॉर्ड भी होता है। इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है। जितनी मर्जी आप कॉर्ड डाल सकते हैं, इस तरीके से भी डाल सकते हैं, जितनी मर्जी आप चाहें आप कॉर्ड बना सकते हैं। उसके बाद होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल को आप इसको नापते चले जाएंगे, इसके आउटर साइड को आप इसको मेज़र अगर करते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर इसको मेज़र करते हैं तो ये इसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। पूरी साइड को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको नाप लेंगे तो ये इसको कहलाता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला भी होता है। सर्कमफेरेंस को करने के लिए इसका फार्मूला होता है 2πr। सर्कल का फार्मूला होता है 2π, पाई की इस तरह से लिखते हैं 2π और ये r, इसको सर्कमफेरेंस का ये फार्मूला होता है। अगर आपको रेडियस दिया हुआ होता है तो आप सर्कमफेरेंस आराम से निकाल सकते हैं, और अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो, डायमीटर दिया हुआ होता है तो इसका फार्मूला दूसरा भी होता है πd।
पाई और ये है आपका डी। पाई डी भी आपका सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है। नेक्स्ट है आर्क। आर्क मतलब सेंटर का, सर्कल का कोई भी पार्ट, छोटा सा कोई भी पार्ट अगर आप कट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट कट कर लो या इधर से कोई भी पार्ट कट कर लो, जैसे आप अपने प्रकार से इस तरह से खींचते हैं और फिर इसको इस तरह से काटते हैं, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं और इसको इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। तो इस तरीके से जो लगाया हुआ होता है ये आर्क होता है, ये छोटा आर्क है और ये बड़ा आर्क है, तो इसको हम आर्क कहते हैं। इसके बाद आता है सेमी सर्कल, किसे कहते हैं, सेंटर से जब हम लाइन खींचते हैं, सेमी का मतलब होता है आधा सर्कल, ये वाला पार्ट जो है ये हाफ सर्कल है और नीचे वाला भी हाफ सर्कल है, तो इसको कहते हैं सेमी सर्कल, आधा सर्कल। उसके बाद आता है आपका सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जब हम सेंटर सर्कल में दो पॉइंट लगा देते हैं ए और बी, इसको हमने इस तरीके से मार्क किया, तो ये जो पार्ट है ये है माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा पार्ट है, ये वाला जो बड़ा पार्ट है, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। जिस तरीके से ये ऊपर वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट है और नीचे वाला माइनर मेजर सेगमेंट है, ऊपर वाला माइनर सेगमेंट है, उसी तरीके से ये जो छोटा वाला आर्क है इसको माइनर आर्क बोलते हैं, और ये जो बड़ा वाला आर्क है, ये पूरा जो इधर वाला बड़ा वाला आर्क है, इसको कहते हैं मेजर आर्क। अब बारी आती है सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये हम इसे सेंटर से लेते हैं, सेंटर से एक रेडियस आया ऐसे, दूसरा रेडियस गया ऐसे, ये सेंटर ओ है, ओ ए ओ बी, ये जो पार्ट है सेगमेंट में और सेक्टर में एक यही डिफरेंस है, जो सेगमेंट होता है वो सर्कल के दोनों तरफ कहीं भी आप पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ तक लेते हैं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनर सेगमेंट और ये पूरा पार्ट जो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। लेकिन सेक्टर में क्या अंतर होता है, वो सेंटर से इसकी लाइन जाती है, ये ऐसे लाइन नहीं जाती है, सेंटर से एक लाइन ऊपर को जाती है और सेंटर से एक लाइन इधर को जाती है, ये वाला जो पार्ट है वो है आपका कहलाएगा माइनर सेक्टर, और जो ये बाकी जो पार्ट आपका बच गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट बचा है ये है आपका मेजर सेक्टर। अब सिकेंट किसे कहते हैं, सिकेंट कहते हैं जब सर्कल से कोई लाइन पास हो जाती है, इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करती है जब कोई लाइन, तो इस लाइन को कहते हैं सिकेंट ऑफ द सर्कल। ये इस लाइन यहाँ से ए और बी, ये दो पॉइंट को ये पास करके इंटरसेक्ट करके बाहर को निकल रही है, तो इसको कहते हैं सिकेंट ऑफ ए सर्कल, ए लाइन पासिंग थ्रू ए सेंटर सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल ऑफ टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको कहते हैं सिकेंट ऑफ द सर्कल। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। अब मैंने एक सेंटर पॉइंट लगाया है और यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे दे रही हूँ, ये तो रेडियस हो जाता है, यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया बी, यहाँ पे लिख रही हूँ डी, यहाँ पर लिख रही हूँ एम, और अंदर पॉइंट लगा रही हूँ, कोई भी पॉइंट लगा रही हूँ एल एम, तो जो अंदर के जो पॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये इंटीरियर पॉइंट है, और जो बाहर के जो पॉइंट है डी एम, ये क्या है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं, जैसे बी लगा दिया मैंने और एक्स लगा दिया है, ये जो सर्कल के ऊपर पॉइंट लगे हुए हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑन द सर्कल। तो तीन चीज़ें हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, L, M एंड O, ये तीन पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर पॉइंट इसमें D और M है, ये मैंने दो बार ले लिया, इसको मैं N बना देती हूँ, D और N हो जाएगा, और लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पर दो पॉइंट है बी एंड एक्स,
बी और एक्स जो है सर्कल के ऊपर पॉइंट लगे हुए हैं, इसको लाई ऑन द सर्कल, अंदर वाले को इंटीरियर ऑफ द सर्कल और बाहर वाले पॉइंट को कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब मैंने ऊपर भी बताया था आपको रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, डायमीटर और रेडियस का आपस में क्या रिलेशन है। सेंटर पॉइंट से जब हम सर्कल तक एक पॉइंट लगाते हैं तो ये कहलाता है रेडियस। ऊपर भी मैंने बताया था जितने मर्जी आप ले लें वो सब रेडियस कहलाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये जितनी भी मर्जी है ये सेंटर से जितनी भी लाइनें गई हुई सब रेडियस है, और रेडियस से पास होकर के जो इधर से लेके उधर पूरी चली जाती है वो डायमीटर कहलाती है। डायमीटर क्या कहलाता है, रेडियस का डबल होता है और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो दोनों का ये रेडियस है और मैं यहीं से इसको डायमीटर बना रही हूँ। ये आधा, ये आपका रेडियस है, ओ ए रेडियस है और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो ए बी और ये हो गया सी, तो बी बी ओ प्लस ओ सी दोनों इसके रेडियस हैं और ये दोनों मिला के बन जाएगा डायमीटर। और ओ को अगर हटा देते हैं तो ये हो गया आपका रेडियस, बी ओ भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, इक्वल टू डायमीटर। अब रिलेशन देखिए, रेडियस में रेडियस जोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस हो जाएगा, इक्वल टू डायमीटर। तो डायमीटर अगर हमें निकालना है और रेडियस हमें दिया हुआ है तो हम डायमीटर कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस करके। तो ये इसका डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, हाफ ऑफ द रेडियस। जैसे आपको रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होगा, मान लो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह लिखेंगे 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, मैं खाली डी से शो कर रही हूँ, चलो लिख देती हूँ स्पेलिंग। अगर डायमीटर दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, अभी मैंने बताया रेडियस का आधा, रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर बाय 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12 सेंटीमीटर, 2 6 12 तो 6 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, ये पूरा अगर 12 है तो आपका रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जब एक ही सेंटर से हम दो सर्कल बनाते हैं, एक बड़ा बनाया और एक उसके अंदर छोटा सर्कल बनाया, या बड़े सर्कल के ऊपर भी एक बड़ा सर्कल और बना दिया, सर्कल बना दिया। ये वाला जो सर्कल है, सेम सेंटर से जब सर्कल बनाए जाते हैं तो रेडियस में तो अंतर आ जाएगा, इसका रेडियस कम होगा, इसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो ये जो दोनों सर्कल है उस सर्कल को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। इससे हम और भी सर्कल बना सकते हैं, ये एक और भी बना सकते हैं, अंदर एक ऊपर भी बना सकते हैं, और भी सर्कल बना सकते हैं घुमा करके। तो जो सेम सेंटर से जितने भी सर्कल अगर हम बना देते हैं वो सब सर्कल जो कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में सारे सर्कल बनाएंगे, सारे उन सर्कल्स के नाम लिखेंगे, सर्कल बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफेरेंस, आर्क बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर, माइनर सेक्टर, सिकेंट ऑफ द सर्कल और इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल और रेडियस। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे और सबका आपने डेफिनेशंस लिखनी है। थैंक यू।